सामान्य एवं काव्य समारोह। जी हाँ, अयोध्या कबीर संस्थान की ओर से शब्द श्री सम्मान एवं काव्य समारोह का भव्यतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात कवियों ने अपनी रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध ही नहीं किया बल्कि समाज, देश व पर्यावरण के प्रति जागरूक कर उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निर्वाहन करने का संदेश भी दिया। विख्यात हास्य कलाकार ताराचंद तन्हा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में पहुंचे बाहुबली 3 के डायलॉग डायरेक्टर रितेश राजवाड़ा को शब्द श्री शिखर सम्मान, अंबेडकर नगर जिले के पत्रकार घनश्याम भारतीय को शब्द श्री सम्मान व संतोष तिवारी को शब्द श्री युवा से सम्मान से नवाजा गया। इसमें पूर्व कार्यक्रम में आए अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उनका आशीर्वाद लिया। बाहुबली 3 के डायलॉग डायरेक्टर रितेश राजवाड़ा ने वर्तमान परिवेश से अवधि भाषा के विलुप्त होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कागज में लिखे होने से कोई भी भाषा बढ़ती नहीं है बल्कि लगातार बोले जाने से बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सही में अवधि खड़ी बोली व भोजपुरी के बीच पिस रही है। यदि अवधि को हम संवाद में नहीं लाएंगे तो यह खत्म हो जाएगी, इसीलिए अवधि को जिंदा रखने के बोला जाए तो बहुत जरूरी है। वह दूसरी ओर बाहुबली 3 के सवाल पर उन्होंने कहा कि बाहुबली 3 बहुत ही रोचक फिल्म है जिसे देखने में बहुत ही मजा आएगा। कबीर संस्था के अध्यक्ष व कवि ताराचंद्र तन्हा ने कहा कि हम लोगों ने शब्द श्री सम्मान का आयोजन किया है। यह दूसरा सम्मान समारोह है जिसमें कई विख्यात लोगों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि शब्द ही ब्रह्मा है और शब्द ही ऐसे होते हैं कि आप शब्द को सम्मान भी पाते हैं और अपने शब्दों से अपमानित भी होते हैं। इस सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं से लोगों के दिलों में एक नई स्फूर्ति का संचार कर दिया। बहुत बड़ा होता है और ये तो फिर भी शब्द श्री सम्मान है। पता नहीं मुझे लगता है मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक जिम्मेदारी फैजाबाद ने ज़रूर दे दी है कि हमने आपको ओपनिंग बैटिंग दी है, अब आपको रन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं वो प्रेरणा लेके जा रहा हूँ यहाँ से। मैंने पहले भी इसके कहा कि अवधि बोलचाल की भाषा है, अवधि सबसे प्यारी भाषा है। अगर इतनी प्यारी ना होती तो रामचरितमानस अवधि में क्यों होती। हम अवधि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, अवधि में बात करना शुरू करें कहीं भी हो। एक तेलुगु व्यक्ति तेलुगु बोलने में संकोच नहीं करता, एक मद्रासी मद्रासी भाषा में संकोच नहीं कर सकता है, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्रीयन में संकोच है। हम अवधि में इतना संकोच क्यों करते भाई। हम अवधि में बात करते कैसे हम तुरंत से लेटेस्ट क्लास से नीचे आने लगते हैं। क्यों मान लिया जाता है कि हम दबे कुचले पीड़ित प्रताड़ित हैं। ये मनोभावना अंदर से बाहर निकालनी पड़ेगी। और इसके लिए जो रिच लोग हैं, तन्हा जी हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे बड़े व्यक्तित्व के लोग हैं जो इसको कर सकते हैं। मेरा उनसे भी आह्वान है आपके माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, कि अवधि को बहुत सजाने संवारने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसको प्रयोग मिलाने की आवश्यकता है। अवधि खुद ही बहुत बड़ी भाषा है। जनवरी से मैंने प्रारंभ किया है और शब्दश्री अपने आप में ही एक गंभीरता, श्री सम्मान, ये बड़े गौरव की बात है कि ये बात हमारे जहन में आई कि अयोध्या की धरती से इस तरह का एक सम्मान शुरू किया जाए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम लोगों को क्या सम्मान देंगे, बल्कि रितेश जी जैसे लोगों के शख्सियत को सम्मान देकर मैं सम्मानित हो रहा हूँ, मेरा जनपद सम्मानित हो रहा है, मेरी संस्था सम्मानित हो रही है। और ये शब्दश्री सम्मान, शब्दश्री शिखर सम्मान से श्री रितेश राजवाड़ा जी को सम्मानित किया गया और शब्दश्री सम्मान अंबेडकर नगर के हमारे पत्रकार साथी हैं श्री घनश्याम भारती जी, उनको सम्मानित किया गया। और शब्दश्री युवा सम्मान हमारे अयोध्या के निवासी जो आजकल रामनगर नैनीताल में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं, युवा कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, उनको देने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। और रही बात अवधि की तो इसमें पूरे देश में हम अलग जगाए हुए हैं। अवधि विकास संस्थान के माध्यम से अभी हमने करीब 250 जिला अध्यक्ष बनाए हैं, महिला और पुरुष ये मैंने काम किया है। लखनऊ के प्रेस क्लब में महिला संगठन को अध्यक्ष बना के सम्मानित किया है, पुरुष संगठन बना के सम्मानित किया है। और हर ज़िले में ये मेरा आह्वान है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है अवधि विकास संस्थान का, हमारा अवधि का, जिसमें हम अवधि में बातें करते हैं। अवधि में सबसे कहते हैं आप लिखिए, कविताएं डालिए, अवधि में बातचीत शुरू कीजिए, उससे एक पाठशाला एक कार्यशाला टाइप शुरू हो गई है। और हर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के तो हर ज़िले में हमारा अवधि विकास संस्थान खड़ा हो चुका है। मैं नैनीताल पहुँच चुका हूँ, मैं नेपाल पहुँच चुका हूँ, मैं झारखंड जा रहा हूँ, मैं बिहार पहुँच चुका हूँ, ये अवधि के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि रामचरितमानस अवधि में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, और आज अवधि हमारी विलुप्त होती जा रही है भोजपुरी और हिंदी खड़ी बोली के आगे, तो एक बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने खड़ा किया है अवधि विकास संस्थान के माध्यम से कि अवधि के विकास का काम हो। और अवधि चूँकि अवध है, अवध अयोध्या और अवधि का केंद्र है, अगर यहाँ से नहीं कुछ हुआ तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ये सोच के मैंने एक प्रयास किया है। और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद अगर साथ रहा तो निश्चित ही एक दिन हम कुछ